वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया। तो चलिए शुरू कर दे। तो टू वर्ड्स अबाउट माई स्कारलेट विच 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 विच। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा देख लेता, दो मिनट। ये ऐसी अच्छी दिखती है, इसका यूनिफॉर्म चेंज नहीं करता मैं, ऐसी अच्छी दिखती है। चलो यहाँ पर इसका स्कारलेट विच के बारे में बात कर लेते हैं। अभी क्विक सेलर का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। यहाँ पर आपको मैं कुछ डिटेल्स दिखा देता हूँ। स्किल कूल टाउन ड्यूरेशन जो है मेरा स्कारलेट विच का, वो 9% पे है। और स्किल, अच्छा जी सॉरी, थोड़ा स्टार्टिंग से लेता हूँ, थोड़ा पीछे में जाते हैं। स्कारलेट विच को मैंने लाया कहाँ से, बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो आपको जाना है अल्टीमेट वर्ल्ड बॉस में, वर्ल्ड बॉस में जाने के बाद आपको यहाँ पर बाकी के स्टेजेस देखने को मिलेंगे एक्समैन के। यहाँ पर आपको स्कारलेट विच का स्टेज मिलेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मिशन में जाना है। मिशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे दो स्टेजेस दिखाएगा। आपको एक तो फ्री में मिल जाएगा, ये आप खेल सकते हो शायद। उसके बाद में ये जो है, इसमें आपको चैलेंजेस कम्प्लीट करने पड़ेंगे। ये चैलेंजेस कम्प्लीट करने के पहले, इसके पहले जो आपका केबल का और क्विक सिल्वर का दो स्टेज कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद कहाँ जाकर आप क्विक जो स्कारलेट विच है उसको आप हासिल करेंगे। तो वो कंप्लीट होने, वो एक बार कंप्लीट है तो स्कारलेट विच का इजीली हो जाएगा आपका, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। रेडी मतलब चैलेंज कंप्लीट होने के बाद आपको ये यहाँ से बायोमेट्रिक्स मिल जाएंगे। बायोमेट्रिक्स मिलने के बाद आपको नॉर्मली, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया क्विक सिल्वर को कैसे अपग्रेड करते हैं, तो ठीक वैसे ही स्कारलेट विच को अपग्रेड करना है एंटीमैटर के ज़रिए। उसके बाद में कहाँ गया, यही तो थी। अभी यहाँ पर पोटेंशियल लेवल पूरा इंक्रीज हो गया मेरा। साथ में यहाँ पर जो क्विक स्कारलेट विच का है, ओके, क्रिटिकल डैमेज है 166, क्रिटिकल रेट 44, अटैक स्पीड 120 और एनर्जी अटैक है 22,000 के आसपास। गियर्स में दिखा देता हूँ, यहाँ पर सभी इसके गियर्स जो है वो मैंने मैक्सिमम 25 कर दिया है, क्योंकि अल्टीमेट वर्ल्ड वॉर्स की कुछ स्टेजेस में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ रही थी मैक्सिमम अपग्रेड की। और टाइमलाइन बटन में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है स्कारलेट विच का। उसके बाद में यहाँ पर स्किल्स जो है वो सभी के सभी मैंने मैक्सिमम कर रखा है। एक भी स्किल्स को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई भी रिस्क नहीं उठा सकता इस कैरेक्टर के बारे में। उसके बाद में जो नया टाइप का जो एनहांस टाइप है उसके ऊपर मेरा कोई फोकस नहीं है, और ना ही मेरा कोई मटेरियल लगा हुआ है उस पर। कोई भी मटेरियल मैंने कलेक्ट नहीं किया है, और ना ही वो स्टेज में अच्छे तरीके से क्लियर कर पाया हूँ। और जैसे ही मैं प्ले करने जाता हूँ तो मेरा मोबाइल हैंग हो जाता है, तो इसलिए मैं उस स्टेज पे फिलहाल तो अभी फोकस नहीं करूँगा। बाकी का जो बेसिक मेरा है उस पर फोकस करूँगा। इसको मैंने आईएसओट दिया हुआ है हॉकाई। अब इसमें जी यहाँ पर मैं चाहूँ तो दे सकता था ऑफेंसिव रिकमेंडेड जो आईएसओट सेट्स है वो दे सकता था, हॉकाई, एंग्रिया फॉल्क, ओवरड्राइव, ये लोग, ये जो आईएसओट्स है ये मैं दे सकता था। लेकिन इन तीनों में रोल जब मैं कर रहा था तब ये आ गया, तो मैंने सोचा कि अब जाने दो, जो आ गया सो आ गया, बार बार चेंज करना अच्छी बात नहीं है। और उस समय मेरे पास ज़्यादा गोल्ड नहीं था, अभी भी मेरे पास गोल्ड उतना ज़्यादा नहीं है, 7 मिलियन ही है, मिलियन बोला गया, सॉरी। यहाँ पर मैंने थोड़ी गलती कर दी है, वो ये कि इसको 200% का डैमेज प्रॉक तो आ गया, लेकिन यहाँ पर जो ऊपर का जो था वो माइंड डैमेज चाहिए था, साथ में गार्ड बे कम्युनिटी होता तो बहुत ही बढ़िया होता, तो गार्ड बे कम्युनिटी नहीं है और माइंड डैमेज चाहिए था, माइंड रेसिस्ट है, और 200% का डैमेज प्रॉक मैंने इसको दे दिया। तो फिलहाल का अभी मैं रहने देता हूँ, बाद में जब इससे अच्छा ऑब्लिस बन जाएगा 200% या 180% के साथ, या फिर सिटी भी मिल जाएगा, तो मैं इसको दे दूँगा। बाकी यूनिफॉर्म की बात रही, यूनिफॉर्म में कुछ खास मैंने अपग्रेड किया नहीं है, नॉर्मल से मैंने इसको रखा है, ज़्यादा कुछ खास अपग्रेड किया नहीं है। रेयर पे बेसिकली रेयर पे रहने दिया मैंने, ज़्यादा कुछ अपग्रेड किया नहीं है। उसके बाद में इसका जो एनर्जी अटैक है वो 22,506 है, और रैंकिंग के हिसाब से आईएसओट में बहुत कम रैंकिंग है, उरू का भी कम रैंकिंग है, और यूनिफॉर्म का भी कम रैंकिंग है, और रैंकिंग में आ रही है, चलो अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी कम है। मेरे को इससे थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज करना था, आईएसओट में अपग्रेड करना पड़ेगा, एक एक करते धीरे धीरे करते मैं आईएसओट में अपग्रेड करूँगा, लेकिन अभी नहीं, सही वक्त आने पर।
चाहो तो आप लोग इसको एंग्रिया फल्क, ओवरड्राइव, हॉकाई, ये तीनों में से कोई भी आईएसओट आप दे सकते हो। और ऑब्लिस की रही बात, तो यहाँ पर आपको ऑब्लिस क्या देना है, आपको कैरेक्टर कहाँ यूज़ करना है उस पर डिपेंड है। यहाँ पर आप लोग चाहो तो इनविजिबिलिटी वाला जो ऑब्लिस है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूँ, मेरा इन्वेंटरी में दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो ऑब्लिस्क है, ये वाला, सॉरी CTP, ये जो CTP है, ये वाला आप CTP दे सकते हो। उसके बाद में एक रेड कलर का और CTP आता है, वो मेरे पास शायद नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट में आपको दिखा देता यहाँ पर बहुत सारे CTP दिखा देता, लेकिन अब ये दिखा नहीं रहा, सिर्फ एक ही CTP दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दूसरा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो ये जो रेड कलर का CTP है, बहुत से लोगों को मैंने देते हुए देखा है, तो ये वाले जो CTP है, ये स्कारलेट विच को देते हैं बहुत से लोग। तो ये जो CTP है, CTP ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये वाला CTP बहुत से लोग स्कारलेट विच को देते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ होगा तभी तो दे रहे हैं। वहाँ पे डैमेज पॉक होगा, क्रिटिकल डैमेज होगा, गार्ड पे कम्युनिटी होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो स्कारलेट विच को ज़रूरी है। तो वो देने के बाद स्कारलेट विच और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है उसका यूज़ करते हुए। यहाँ पर उरू कौन से देना है ये भी थोड़ा दिखा देता हूँ मैं। गियर्स बाद में आप लोग 20 करने के बाद यहाँ पर आप लोग एनर्जी अटैक, क्रिटिकल डैमेज, उसके बाद में क्रिटिकल रेट, इग्नोर डॉच, या कुछ और भी आप लोग दे सकते हैं। इग्नोर डिफेंस, यहाँ पर मेरे पास अभी इग्नोर डिफेंस का हुआ है, वो भी दे सकता था मैं। अटैक स्पीड का भी दे सकते हो आप लोग, रिकवरी रेट का भी दे सकते हो, एनर्जी अटैक का भी दे सकते हो, क्रिटिकल रेट, HP, ये वाले भी उरू आप दे सकते हो। लेकिन ध्यान रख रहे कि आप लोग जब उरू दे रहे हो, तब इसमें देते समय फिजिकल अटैक का उरू नहीं जाना चाहिए, डिफेंस वाले उरू नहीं जाने चाहिए। HP का जाएगा चलेगा, रिकवरी का जाएगा चलेगा, क्रिटिकल रेट का जाएगा चलेगा, लेकिन बाकी के जो उरू है, जो डॉज वगैरह है, ये उरू नहीं देना है। ठीक है, मैक्सिमम इसको अपग्रेड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज के लिए बनाना है, क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा डैमेज करने वाली है। तो ये थी मेरी छोटी सी नन्नी मुन्नी सी प्यारी सी स्कारलेट विच। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।